हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एट द रेट आर एफ्री क्लासेज में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कंपटीशन, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में लिख रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। मुद्रा एन, मुद्रा का संबंध एन से है, उसी तरह से राष्ट्रता का संबंध क्या होगा। तो मुद्रा जो है वो किसका है, जो जापान का मुद्रा होता है वो क्या है, एन है। ये किसका है, जापान का, किसका, जापान, जापान, ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह से जापान का मुद्रा एन है, उसी तरह से राष्ट्रता मतलब, राष्ट्रता मतलब भारत का राष्ट्रता, भारत का राष्ट्रता क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, भारतीय, क्या है, भारतीय। उसी प्रकार भारत का राष्ट्रता भारतीय, ठीक है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुने। देख रहे होंगे पी आर ए जी को लिख रहा है क्यू टी डी के, उसी तरह से स्टॉप को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग बनाएंगे इसको, तो देखिएगा बहुत आसान है। पी पी को क्या लिख रहा है, क्यू, मतलब क्यू कितना, वन प्लस कर रहा है, ठीक है। फिर आर, आर को क्या लिख रहा है, आर को लिख रहा है टी, मतलब प्लस टू कर रहा है, ठीक है। ए, ए को लिख रहा है डी, और डी कितना होता है, प्लस थ्री। उसी तरह से फिर देख रहे हैं जी, जी को लिख रहा है के, और के कितना कर रहा है, प्लस फोर। तो पूछ रहा है स्टॉप के बारे में, तो स्टॉप का हम बनाएंगे, ठीक है। तो एस, एस को वन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टी। फिर टी को प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा, भी। फिर लिखा है ओ, ओ को प्लस थ्री करेंगे, ओ को प्लस थ्री करने पे क्या आएगा, आर। पी, पी को प्लस फोर करेंगे तो क्या आएगा, टी, ठीक है। मेरा राइट आंसर क्या आ गया, टी भी आर टी, टी भी आर टी, राइट आंसर सी, ठीक है, बन जाएंगे आप लोग से। चलिए नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 562 दिया है, उसी तरह से 666 को पूछ रहा है व्हाट क्या होगा। तो 562, 562 को हम कर सकते हैं, 562 को तोड़ देते हैं, 5 × 6 × 2 तो कितना आएगा, 6 × 5 = 30, 3 × 2 = 60। इसको हम 2 से भाग देने पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 30 आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसमें भी नियम लगाएंगे, ठीक, इसको करेंगे 6 × 663, कैलकुलेट कर देंगे तो 6 × 6 × 3 कितना आ जाएगा, 108। इसमें हम 2 से भाग दिए थे तो इसमें भी हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पे क्या हो जाएगा, 54, क्या आया, 54, राइट आंसर सी, 54। कितना इजी है बनाना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आरिफ फ्री क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। किसी तरह का आपको डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर कमेंट का जवाब मिलेगा, ठीक है। अगर कोई आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग से, मैथ से, तो वो भी शुरू किया जाएगा, वो भी आपका मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो सभी चैप्टर वाइज भी आपको रीजनिंग, चाहे वो मैथ हो, सभी को आपको मिलेंगे सिलेबस के साथ, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। चल आते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। क्रिकेट दिया है, कैरम दिया है, टेबल टेनिस, शतरंज। तो बताइए, कैरम जो है, टेबल टेनिस तथा शतरंज सभी इंडोर गेम है, जबकि क्रिकेट आउटडोर गेम है। टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम, ये इंडोर मतलब कि अंदर में, मतलब किसी रूम में भी खेला जा सकता है, लेकिन क्रिकेट ऐसा है जो कि नहीं खेला जा सकता किसी रूम में, वो इंडोर मतलब बाहर की चीज है। ठीक है, तो सबसे विषम कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट। राइट आंसर ए, तो बन जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो यहां देख रहे हैं IMX लिखा है, मतलब कि आई और एम का डिफरेंट कितने का है? +4 का। एक्स एम और एक्स का डिफरेंट कितने का है? +11 का। चलिए, डी और एच का डिफरेंट कितने का है? +4 का। आई एच और एच का डिफरेंट कितने का है? +11 का, मतलब कि इसका मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, जी और डब्ल्यू का डिफरेंट कितने का है? +16। डब्ल्यू और के का डिफरेंट कितने का है? -12, 12 का, मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें देखेंगे के और ओ का डिफरेंट कितने का है? +4 का। ओ और जेड का डिफरेंट कितने का है? +11, मतलब 11 का। तो मतलब डी मैच कर रहा है साथ में, बी मैच कर रहा है और ए मैच कर रहा है, जबकि इसमें पूछ क्या रहा है? विषम। तो विषम कौन सा हो गया? ये नहीं कर रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को चुनिए। 122 से 1331, 173 से लिख रहा है 2197, 197 से 2744, 290 से 4913। तो बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसमें विषम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बिना देर किए जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग किस तरह से बनाएंगे। देखिए कितना है, 122, 113, 131। ठीक है, ये देख रहे हैं किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर प्लस वन करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, प्लस वन करेंगे तो 122 आ रहा है। उसी तरह से इसका हम देखेंगे, 11 का क्यू है। ठीक, फिर देखते हैं 173 और 2197। 173 कितने का है? 13 का स्क्वायर प्लस 4 करने पे 173 आएगा, 169 और +4 73 हो गया। इसी तरह से ये 13 का क्यू है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, 197 और 2744। ठीक, 197 किसका है आ जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस 1 करने पे। ठीक, और ये 14 का क्यू है। फिर देखते हैं 290 और 49, 13। 290, 17 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 करेंगे तो 290 आएगा, और ये 17 का क्यू है। तो देख रहे हैं ये मैच कर रहा है, 1 प्लस है, ये भी 1 प्लस है,
ये भी वन प्लस है, लेकिन ये वाला जो है पार्ट ये वन प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं फोर हो रहा है। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? बी। सबसे डिफरेंट कौन सा है? बी। यहाँ विषम पूछ रहा है, तो विषम कौन सा हो गया? 173 221 97, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएंगे आप लोग से। चलिए, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा, और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कौन सा आएगा देखेंगे। एक्स, एक्स सब में है। ठीक है, फिर ए आता है, एबीसीडी में तो ए आता है, उसके बाद ए आएगा, तो मतलब ये पहला नंबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ए आया है, उसके बाद दूसरा नंबर, ए के बाद ई आता, ए बी बाई नहीं आएगा, ई आएगा, तो ई देखेंगे दोनों में है, फिर एन भी है, फिर आई, आई पहले आता है ओ बाद में आता है, देखेंगे ई है, ई है, एन है, एन है, ठीक है, आई है, ओ है, तो पहले आई आता है फिर ओ आता है, मतलब ये दूसरा नंबर हो गया, उसके बाद ये तीसरा नंबर हो गया। अब इसमें देखेंगे बाई बाई दोनों है, एस और एल, एल पहले आता है, मतलब ये चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर। देखेंगे तीन पहले आएगा, तीन, फिर चार, फिर चार के बाद एक, एक के बाद दो, उसके बाद पांच। ठीक है, अब मैच कौन सा कर रहा है? तीन चार एक दो पांच, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ये बन जाएगा राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। एक अनुक्रमांक दिए गए हैं जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रमांक को पूरा करेगा। एल ओ यू क्यू, फिर लिखा है एस वी एक्स, फिर जेड सी ई, तो वाट, आगे क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा, बनाते हैं। एल, एल के बाद क्या लिखा है? एस, एल के बाद एस, एस के बाद जेड, उसी तरह से जेड, तो आगे पूछ रहा है। यहां देखें एल और एस के बीच में कितना है? 7 प्लस 7, फिर +7 है, उसी तरह से +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी। ठीक है, फिर ओ के बाद लिख रहा है इसको भी, +7 कर रहा है, भी के बाद आ रहा है सी, +7, सी के बाद +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे। ठीक है, देख रहे हैं, भी के बाद सी, सी के बाद पूछ रहा है, उसी तरह से अभी क्यू, क्यू क्यू को +7 कर रहा है, +7 करने पे क्या आ रहा है? एक्स, और एक्स को +7 कर रहा है तो क्या आ रहा है? ई, फिर ई को +7 करेंगे तो क्या आएगा? एल। राइट आंसर आया जी जे एल, जी जे एल, राइट आंसर एक, जी जे एल। ठीक है, क्या आया? जी जे एल, राइट आंसर ए, बन गया। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 13, 27, 56, 115, तो वाट, आगे क्या आएगा? तो देखेंगे 13, 27, 56, 115, तो पूछ रहा है आगे में क्या आएगा। ठीक है, तो 13, 27,
दूनी 26 प्लस 1 करने पे आ रहा 27। उसी तरह से आगे करेंगे तो देखेंगे 27 दूनी गुना करेंगे प्लस 2 56 आ रहा है, 27 दूनी 54 प्लस 2 56 आ रहा है। उसी तरह से आगे करेंगे हम, 56 दूनी करेंगे प्लस 3, ठीक है। तो कंटिन्यू फिर आगे करेंगे हम इसी तरह से, प्लस इंटू 2 प्लस 4, तो 115 गुने 2 प्लस 4 करेंगे 234, 234 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी 234। तो बन जाएंगे आपसे, आगे बढ़े नेक्स्ट देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर को का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर आप क्या होगा इसका कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए सेट में नए जोश के साथ। थैंक यू, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।